नमस्कार मैं प्रिया, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम लोग भाजपा कार्यालय में हैं, जहाँ आज भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अभिनंदन समारोह रखे थे। यहाँ तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने मन से खड़े होकर एक दूसरे को अभिनंदन जाहिर की और साथ में अपनी बातें भी रखी। पक्ष जो मंच से कह सकते हैं, वहाँ से सुशील कुमार मोदी ने खड़े होकर किसान बिल को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष आते हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो जब भी बिहार में परेशानी आती है तब वो बिहार से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो चमकी बुखार हो या फिर अभी का जो कोरोना काल चल रहा है उसमें लगा हुआ लॉकडाउन हो। उस वक्त भले ही एक महीने तक लगातार जो विधानसभा सत्र चला था, उस बीच भी तेजस्वी यादव नहीं देखने को मिल रहे थे। तेजस्वी यादव आखिरी दिन पहुंचे और वहां आकर हाजिरी बनाई। ये तमाम बातें उन्होंने मन से खड़े होकर, सुशील कुमार मोदी ने जो है मन से खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा। आज किसान बिल को लेकर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कह सकते हैं कि लॉकडाउन था, मतलब कि भारतबंदी था। भारतबंदी के बाद आज बिहार में भी इस चीज़ का जो नज़ारा देखने को मिला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा उनके पार्टी के जो लोग थे वो रोड पे निकले, जो सत्ता विपक्षी लोग, जो विपक्षी दल के नेता लोग थे वो भी रोड पे निकले। इस बात को लेकर जो अभी सत्ता में लोग हैं वो उन्हें काफ़ी डर सताने लगा, कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर मुखर होकर बात करने लगे। इस चीज़ पर हमलावर होते हुए जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर निशाना साधते रहे। अब इस किसान बिल को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है आज भाजपा कार्यालय से कही। भाजपा कार्यालय में मंच पे खड़े होकर सुशील कुमार मोदी ने कहा, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ किसान को लेकर, कृषि को लेकर तीन तीन रोड मैप जारी किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं बिहार में ही किए गए हैं, भारत के हिसाब से जो भारत में जितने भी राज्य हैं उसके हिसाब से बिहार में जो वृद्धि दर है, जो कह सकते हैं ग्रोथ रेट है, वो सबसे ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बीच मंच से खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और बहुत सारी बातें कही। ऐसे ही भारत लाइव की टीम आपके सामने अपडेट पहुँचाती रही है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।